जब इमरान खान ने कहीं आना और डंडे पकड़ के सारे अलर्ट, यहाँ पर बिल्कुल सुकून है, कुछ भी नहीं है। पुलिस एहलकार अपने बिरयानी के डब्बे शब्बे लेके रिलैक्स है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, सब अपने खाने शाने खा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रैली में पुट्टो के नारे वजन के हैं, शेर की रैली में भुट्टो के नारे, क्या सीन है। ये सारे तो शेर के लोग हैं। सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है, यकायक अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी जबरदस्त मूव की है कि एकदम से यूं कह लीजिए वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए वाली सारी सिचुएशन है। और ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पास बिल्कुल रेड जोन का एरिया है, ये यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, यहाँ पे कारगुनान आ रहे हैं, रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। कोई पुलिस वाला मजाल है कुछ कहे या किसी तरह से रोकने की कोशिश करे। ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये, और ये बिल्कुल रेड जोन का एरिया है। और यहाँ पर कारकुनान अब आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मई का एक गर्म तरीन दिन है यहाँ पर। इस वक्त मैं शाहराहे दस्तूर पर मौजूद हूँ। एक तरफ एहतजाजी मुजाहिरीन को आप देख सकते हैं, रेड जोन का शाहराहे दस्तूर, और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग, और यहाँ पर एहतजाज हो रहा है आज सुप्रीम कोर्ट के मुमकिन फैसले के हवाले से। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है, यकायक अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी ज़बरदस्त मूव की है के एकदम से यूं कह लीजिए वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए वाली सारी सिचुएशन है। और ये सारी जितनी भी कोशिश हुई थी मुजाहिरीन को यहाँ पर ला के थोड़ा ऐसा माहौल पैदा करने की, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ने किया क्या है। असल में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। यहाँ पर बिलावल बनेगा वज़ीर आज़म, उसके भी नारे लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पर सारी जमातों की नुमाइंदगी है। शेर आया के भी नारे हैं, बिलावल के भी नारे हैं, और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी झंडे हैं, JUI के भी झंडे आप देख सकते हैं, और नारेबाजी की जा रही है इमरान खान के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, और ये सारी हैपनिंग्स यहाँ पर इस वक्त हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस तरफ भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये वो मुजाहिरीन हैं जिनको रेड जोन में आने की एक तरह से परमिशन मिली है, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने के ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन मैं भी आपको बताऊं कि इनकी ये सारी एफर्ट रायगांव क्यों चलेगी, क्योंकि इन सबको ये लग रहा था कि अभी कोई फैसला आएगा इलेक्शन के हवाले से, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई कॉन्टेम्प्ट केस शुरू हो जाएगा या शहबाज शरीफ की नाइली शुरू हो जाएगी, और फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा ऐसा जिसके नतीजे में बहुत हलचल मच जाएगी और हालात काबू से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने केस शुरू होते ही उसको पूरे एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है और कहा है कि नोटिसेज वगैरह जारी करके अब एक हफ्ते के बाद सुनेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये लगे कि क्यों चीफ जस्टिस ने एक हफ्ते के लिए ये मुलतवी कर दिया, क्यों आज फैसला नहीं सुनाया। शायद आप लोगों को थोड़ा गुस्सा, नाराज़गी या बरहमी का आप इजहार करें, लेकिन ये ऐसी कैलकुलेटेड मूव है जिसके बाद अब ये सारे लोग यहाँ पर एक हफ्ता तो नहीं रुक सकते, मतलब बहुत मुश्किल है, इतनी गर्मी है यहाँ पर और इतने ज़्यादा लोगों को पूरे एक हफ्ते तक के लिए संभालना। वहाँ पर सामने कंटेनर लगा हुआ है, तकारीर हो रही है, अदलिया मुखालिफ तकारीर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त मूव की और एक हफ्ते के लिए मुलतवी करके कहा कि कल और केसेज हैं और सुनेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो अंसारुल इस्लाम है उनके लोग जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर वुकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, आज अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने के मनाजर हैं। जिस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में आ रहा था कवरेज के लिए, उस वक्त रेड जोन में कैसे लोगों को आने दिया जा रहा था, मतलब जो PTI के लोग आना चाहते हैं, दफ़ा 144 शेलिंग फायरिंग, इस्लामाबाद पुलिस के जो लगते हैं ट्वीट्स वो भी आपने देखे होंगे, और अब जब ये सारे लोग PTM जमातों के आ रहे हैं तो सारे FC के लोग, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई वो अलर्ट नहीं है। यहाँ पर जब इमरान खान ने कहीं आना और डंडे पकड़ के सारे अलर्ट, यहाँ पर बिल्कुल सुकून है,
कुछ भी नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को भी अगर आप देखें, कुर्सियों के ऊपर सुकून से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है जनाब, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, बची एफसी वाले भाई। और उधर भी जनाब खाने शाने चल रहे हैं, पुलिस एहलकार अपने बिरयानी के डब्बे शब्बे लेके रिलैक्स है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, सब अपने खाने शाने खा रहे हैं और उनको कोई मसला कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं वो आ रहे हैं लाइन में कतार में और सब के सब जाते जा रहे हैं आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और पीपल्स पार्टी की भी एक बड़ी रैली यहाँ पर पहुँच चुकी है। बीच में से गुजर जाऊंगा, ऐसी रैली है। और इधर जो है वो मुस्लिम लीग नून की रैली पहुंच चुकी है। हैं मुस्लिम लीग नून की रैली में पुट्टो के नारे भजन के हैं, शेर की रैली में भुट्टो के नारे, क्या सीन है, ये सारे तो शेर के लोग हैं, इधर भी भुट्टो के नारे। अता तारड़ लेके आए हैं रैली। अच्छा, बुनियादी तौर पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी उसको टेकअप किया चीफ जस्टिस ने, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये मौकफ अपनाया है कि 14 मई को इलेक्शन कराने का जो फैसला था उस पर नज़रसानी की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में हालात नॉर्मल नहीं है, बाहर जो कुछ इस वक्त हो रहा है उस सूरत हाल में आइन पर अमल दरामद कैसे कराया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को गोलियां लगने की फुटेज देखी है, ये वो हवाला दे रहे हैं, पिछले दो चार रोज़ में जो कुछ हुआ, हंगामे हुए, बहुत सारे मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हुई, तो उन्होंने कहा मैंने लोगों को गोलियां लगने की फुटेजेस देखी हैं, इस सूरत हाल में मामूल पर कैसे आएगा ये सारा मामला। और उन्होंने कहा कि हम अमन चाहते हैं पाकिस्तान में और आइन के ऊपर अमल दरामद चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। इसलिए एग्जैक्टिव यानी वज़ीर आज़म को मुखातिब किया, एग्जैक्टिव चीफ एग्जैक्टिव तो वही है, इसलिए उन्होंने कहा कि एग्जैक्टिव और अपोजिशन इखलाकियात का मयार बरकरार रखें और हद से तजावुज़ ना करें। चीफ जस्टिस की जानिब से जब ये रिमार्क्स दिए जा रहे थे तो पीटीआई के वकील ने कहा कि अब आइन का इंतकाल हो चुका है, अब कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि आप कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग ना शुरू करें, या जो पंजाब में हुकूमतें हैं उनको गैर आइनी ना करार दें या फैसला ना सुनाएं। तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि एक बार नज़रसानी की दरख्वास्त का अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे और हर सूरत सुनाएंगे और आइन पर अमल दरामद कराएंगे। लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से ये जो कैलकुलेटेड मूव की गई है जिसके बाद सारे के सारे जो एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें शायद वापस लौटना पड़े, क्योंकि एक हफ्ते तक यहाँ पर रुक तो सकते हैं लेकिन क्या करेंगे, एक हफ्ते तक तो केस की प्रोसीडिंग ही नहीं होनी। तो ये इस वक्त सारी एक सिचुएशन है, तो लेट्स सी क्या होता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है भाईजान, बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है लोगों को यहाँ पे लाने के लिए। यहाँ पे भी लोग अब क्या करें, इंतज़ार कर सकते हैं और क्या, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, एक हफ्ते तक मुलतवी कर दिया, ये लोग क्या करें। अब यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, ये सारे लोग हैं, ये अब आ रहे हैं बट फैसला तो आ चुका, इसलिए अब इन्हें वापस जाना पड़ेगा मेरा ख्याल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, फिर यहाँ पे सामने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, वो सामने सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट, ये पुलिस एहलकार यहाँ पर हैं, एफसी के लोग भी हैं, किसी को नहीं रोका जा रहा और कारकुनान को आगे बढ़ने की इजाज़त है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये इस वक्त शराहे दस्तूर जिस पर सारी की सारी आइनी इमारतें हैं या बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर ये इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन है। इसमें कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग हैं,
ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, एहतजाज में शामिल हैं। इस तरफ धूप है तो थोड़ा साए में चले गए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीडीएम के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। कोई लाठी चार्ज, कोई शैलिंग, कोई आंसू गैस, नथिंग, कोई प्रिजन मैन यहाँ पे नहीं है। ये नॉर्मल सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं और यहाँ पर अदलिया के हवाले से तकारीर की जा रही हैं कि सिलेक्टिव बेंचेस बनाकर सिलेक्टिव फैसले किए जा रहे हैं। इधर नारे लग रहे हैं वज़ीर आज़म बिलावल, ये जो दहशत गर्दी है बलियान तेरी मर्जी है, ये जो इमरान गर्दी है बलियान तेरी मर्जी है, ये जो इमरान गर्दी है बलियान तेरी मर्जी है।